और जनसंभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में मालडोन शहर से अपनी जांच कराने के लिए पति पत्नी आए हुए थे और पति अपनी पत्नी के उपचार के लिए जब शासकीय हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा तो वार्ड के अंदर पलंग पर बैग रख दिया और उपचार करवा कर जब पति पत्नी बाहर आए तो बैग गायब हो गया और बैग के अंदर दस्तावेज थे महत्वपूर्ण। अज्ञात चोर ने बैग चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह समझकर कि नगदी राशि और कीमती सामान होगा बैग के अंदर पर पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि बैग में नगदी और आभूषण कुछ नहीं थे, सिर्फ हमारे काम के दस्तावेज थे जो अब हमें कंप्लेंट करवाने में दिक्कत समस्या आएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शासकीय अस्पताल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, साथ ही सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे हैं और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में चोरी हो जाना बैग कई प्रकार की अव्यवस्थाओं पर चिन्ह लगाता है, जहां पर शासकीय अस्पताल में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर ध्यान दिया जाए। भैया बताइए क्या नाम है आपका, कहां रहते हैं? अच्छा, यहां पर अभी आप किस लिए आए हुए थे? डायलिसिस के लिए आए थे और वो डायलिसिस होने के बाद में बेल्ट देने पड़ते हैं मरीज को। अच्छा, किनको गया था मैं? आप अंदर गए थे, यहाँ पर बैग रखकर? बैग रखा हुआ था आपका? बैग रखा था यहाँ सीट पे। अच्छा, क्या क्या था बैग में? बैग में वो डॉक्टर की जांचें वगैरह थी। और क्या? और राशि वगैरह, पैसा वगैरह कितना क्या था? पैसा ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा, सामान वगैरह क्या था? उसकी डायरी थी उसमें, वो नंबर की, मोबाइल नंबर की। और क्या था उसका अंदर? उसके बाद अंदर कुछ वो सामान का कुछ भी नहीं था ज़्यादा। अच्छा, जांचें वगैरह थी उसमें, दस्तावेज का पेपर वगैरह थे दस्तावेज? हाँ। अब क्या दिक्कत आएगी आपको, क्या परेशानी आएगी? अब यही परेशानी आएगी कि जांचें वगैरह फिर से बनानी पड़ेगी डॉक्टर से। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।